हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेकविला यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडी स्मार्ट ऐप में आपको एम पिन कैसे बनाना है, हाउ टू क्रिएट एम पिन इन इंडी स्मार्ट ऐप। और दोस्तों, इसके अलावा आपको ट्रांजैक्शन पिन कैसे बनाना है, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इंडी स्मार्ट ऐप को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में हमारा यहाँ पे जो है, सबसे पहले हमें यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है इंडी स्मार्ट में। तो ताज़ा हमारा ऐप है, इसके पहले इंडियोसिस ऐप होता था, अब नया आ चुका है इंडी स्मार्ट। तो इंडियन बैंक का ये हमारा इंडी स्मार्ट नाम से ऐप है। तो रजिस्टर बटन पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का एक एग्रीमेंट आता है, जिसमें नीचे आपको ये ऑप्शन दिया जाता है आई एग्री का। तो आप टर्म्स एंड कंडीशन एंड सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, उसके बाद में आई एग्री पे हमें क्लिक कर देना है। फॉर बेटर एक्सपीरियंस प्लीज इनेबल डिवाइस लोकेशन कहता है, तो हम इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। और ये हमें ले आता है डिवाइस लोकेशन की सेटिंग में, तो हम यहाँ पे लोकेशन को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद में हम वापस बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद में वापस से हमें टर्म्स एंड कंडीशन बोल रहा है एग्री करना है, तो हम यहाँ पे एग्री कर देते हैं। और ओके पे फिर से हम क्लिक कर देते हैं, फिर से हम एग्री पे क्लिक कर देते हैं। तो क्योंकि थोड़ा सा स्लो ऐप है, तो हो सकता है ये हमारा ले ना पा रहा हो। रजिस्टर नाउ करने के बाद में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है CIF नंबर, जो कि हमारा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका होता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपका यहाँ मोबाइल नंबर से भी रजिस्ट्रेशन का हमें ऑप्शन दे रहा है। तो अगर CIF नंबर हो, जो शुरुआत में आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं उसमें CIF नंबर अक्सर होता है, तो आप उससे लेके भी यहाँ पे डाल सकते हैं, या आपकी पासबुक में ऐसे भी आप देख सकते हैं। या फिर मोबाइल नंबर आसान तरीका है, तो मोबाइल नंबर डालिए, और यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हमारा यहाँ पे ऑप्शन देता है कि आपकी कौन सी सिम है। आप अपनी सिम देख लीजिए कि जो कि मोबाइल आपके रजिस्टर्ड है आपके बैंक से, तो हम यहाँ पे उस सिम को सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद में सेंड SMS पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में एक मोबाइल में हमें OTP प्राप्त होता है, जो कि ऑटोमेटिक यहां से डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारा OTP यहां से ऑटोमेटिक आ चुका है। सेकंड ऑप्शन हमारा आता है, सेकंड स्टेप आता है ऑथेंटिकेशन विथ, किस चीज से आपको ऑथेंटिकेट करना है। तो सबसे आसान तरीका होता है डेबिट कार्ड का, या फिर जो आपकी पुराने फोन की एम पिन है, मतलब आपने जो पहले ऐप डाला था उसमें अगर एम पिन डाली थी, वही एम पिन आप यहां पे डाल सकते हैं। या आप इसमें पहले अगर रजिस्टर्ड एक बार कर चुके हैं, तो आपके पास में इसकी एम पिन पहले से ही होगी, तो वो एम पिन भी आप यहां डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे उसको डेबिट कार्ड कर देते हैं, जो कि सही तरीका है। डेबिट कार्ड हम जो पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास डेबिट कार्ड है, और डेबिट कार्ड से आपको पहली बार में करना होगा। तो यहाँ पे हम डेबिट कार्ड का हमारा पहले डेबिट कार्ड का आपको नंबर डाल देना है। इसके बाद में एक्सपायरी डेट यहाँ पे डेबिट कार्ड की डाल देना है, और इसके बाद में तीसरे में आपको जो है चार डिजिट आपकी जो पिन है, जो कि आपने ATM पिन क्रिएट की है, उसको यहाँ पे डाल देना है। तीनों चीजें डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है सेट एम पिन का। तो सेट एम पिन में आपको यहाँ पे 4-6 अंक की एक एम पिन यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। एम पिन होती है अक्सर हमारी जो मोबाइल पिन होती है, तो मोबाइल पिन से ही हमारा लॉगिन भी होता है। तो एम पिन हम यहाँ पे 6 अंक की क्रिएट कर देते हैं। एक बार आपको यहाँ एंटर करना है, और फिर से री एंटर आपको दोबारा यहाँ करना है, और दोनों चीजों में पिन डालने के बाद में हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एम पिन क्रिएट करने के बाद में दोस्तों आपके साथ सेकंड ऑप्शन आता है ट्रांजेक्शन पिन का। तो ट्रांजेक्शन पिन, जब हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डालना होता है, उस समय हमारे पास में काम आती है ट्रांजेक्शन पिन। तो ट्रांजेक्शन पिन बहुत जरूरी होती है, और इसको आप जो है एम पिन ट्रांजेक्शन पिन कहीं पर आप लिख के इसको सुरक्षित रख लीजिए, ताकि भविष्य में आपको एक काम आए। तो हम यहाँ पे आपको एक बार एम पिन ट्रांजेक्शन पिन एक बार क्रिएट करना है, और उसके बाद में सेकंड टाइम आपको वही सेम पिन यहाँ पे डाल देना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके पहले जान लीजिए कि आपको यहाँ पे जो टी पिन आप बना रहे हैं, मतलब ट्रांजेक्शन पिन बना रहे हैं, वो 6 डिजिट की रहेगी, और उसके अंदर में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहेगा। इट शुड बी न्यूमेरिक रहेगी, स्पेस नहीं आएगा, है ना। टी पिन में आपका जो है सेम नहीं हो सकता है, जो भी आपने प्रीवियसली 3 बार टी पिन क्रिएट करी है उसके जैसा आपको नहीं बनाना है। एकदम नई टी पिन आपको बनाना है, ट्रांजेक्शन पिन एकदम नई और यूनिक होनी चाहिए। बीच में कोई स्पेस ना डालें, एवं कोई भी अक्षर ना डालें, मतलब नंबर डालना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपको जो ट्रांजेक्शन पिन बनाना है। ये नहीं बनाइएगा, कोई अन्य बनाइएगा जो आसान ना हो। तो हमने यहाँ पे टी पिन 2 बार डाल दी है, और यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ चुका है, यूजर इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपको ओके पे क्लिक कर देना है दोस्तों। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, वो है सिक्योरिटी क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने हैं, और उसका अपना आंसर डालना है। वो आंसर आपको कहीं पे लिख के रख लेना सुरक्षित, ताकि अगर भविष्य में आप अकाउंट की डिटेल भूल जाते हो और आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको उसके आंसर बिल्कुल वैसे ही डालना है जो आंसर आप यहाँ पे डालने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप जब कंटिन्यू कर देते हैं, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके सक्सेसफुल हो चुके हैं, आपको ओके पे प्रेस कर देना है दोस्तों।
इसके बाद में दोस्तों हमारा यहाँ पे ये लॉग आउट हो जाता है। लॉग आउट होने के बाद में इस तरह की आपकी फ्रंट स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आप नहीं देख सकते हैं लॉग इन विद एम पिन का ऑप्शन आ रहा है जिसपे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एम पिन अपनी डाल देनी है।